हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेनिला और चॉकलेट टू इन वन केक की रेसिपी जो हमने एक साथ बनाया है। और देखें कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है हमने। 3 या 4 इंग्रेडिएंट से इसको तैयार किया है हमने। इसका डेकोरेशन चॉकलेट पाउडर और टूटी फ्रूटी से किया है, विप्ड क्रीम से किया है। हमने एक बोल में 1 चम्मच विनीगर लेकर इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है। इसे हम सेपरेटली रख देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा स्टिर करने के बाद हमने इसे रख दिया। अब हम एक सेपरेट बोल में ले रहे हैं थोड़ा सा देसी घी 1.5 चम्मच हमने देसी घी लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई शक्कर, अब हमने इसमें पिसी हुई चीनी 3 टेबल स्पून ऐड कर दी है। और अब हम इसे बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करेंगे। देखें हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से बीट करते रहना है। और अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, चीनी अच्छे से मिल गई है ऑयल में। और अब हम अपना बटर मिल्क जो हमने तैयार किया था 10 मिनट पहले रखा था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और अब हम एक स्ट्रेनर रख देंगे इस डोंगे पर और 1 कप मैदा इसमें डाल देंगे और 1 से 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेन करना है। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को इस तरह से बीट कर लेंगे। तब तक के इसमें रिबन जैसी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। देखें कितना स्मूथली बैटर बनकर तैयार हुआ है। बहुत क्रीमी सा बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और अब हम एक केक मोल्ड में ग्रीसिंग कर रहे हैं और बटर पेपर लगा रहे हैं, इस पर भी हम ग्रीसिंग कर देंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई ऑलरेडी रखी हुई है, 10 मिनट के लिए हमने उसे प्री हीट होने रख दिया था। अब हम इसको एक बोल में थोड़ा सा बैटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हम ये चॉकलेट विद वेनिला केक बना रहे हैं, 2-in-1 केक बना रहे हैं। एक ही केक में दोनों फ्लेवर दे रहे हैं, इसलिए हम इसे अच्छे से चॉकलेट पाउडर मिलाने के बाद हमने एक लेयर वेनिला की बेस में डाल दी थी और अब हम थोड़ा सा एक साइड में चॉकलेट वाला बैटर डालने के बाद अब देखें हमने फिर से वेनिला ऐड कर दिया। अब हम एक दूसरी साइड में चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे। और फिर से हम इसमें वेनिला वाला डालेंगे।
इस तरह से हमने सारा बैटर हमें इसमें मोल्ड में डालना है। ये देखें, हमने फिर से दूसरी साइड चेंज कर चॉकलेट बैटर डाल दिया और हमने कढ़ाई में मोल्ड को रख दिया है। देखें 50 मिनट के बाद ये लगभग, हम इसे प्रिक करके दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल साफ निकली है हमारी टूथपिक। देखें ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी आइसिंग कर रहे हैं। ये क्रीम हमने बीट कर रख ली थी और पाइपिंग बैग में तैयार करने के बाद अब हम इसको इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। पहले हम वनीला आइसिंग करेंगे, उसके बाद हम चॉकलेट पाउडर से थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि ये चॉकलेट और वनीला केक एक साथ बना है और ये हमने इसको टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया है। बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाएं और बताएं आपको ये केक कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा।